रेडी स्टार्ट। भारत दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। करोड़ों देशवासी नित्य रेल यात्रा करते हैं। अरबों का सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है, जिसके माध्यम से देश की आर्थिकी को भारी संबल मिलता है। रेल की पटरियां सारे देश में ऐसे फैली हुई हैं जैसे शरीर में धमनियां, जिस तरह शरीर की धमनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शरीर मृत प्राय हो जाता है। ऐसा ही महत्व भारतीय रेल का देश की विकास यात्रा में है। केंद्र सरकार भारतीय रेलवे की दिशा दशा सुधारने के लिए अभूतपूर्व कदम देशवासियों के लिए के हित में लगातार उठा रही है। रेलवे स्टेशन का तेज गति से कायाकल्प कर अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुलेट, वंदे भारत और हाई स्पीड जैसी रेलों को पटरी पर उतार कर नए भारत का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। ऐसे में अचानक रेल दुर्घटनाएं बढ़ जाएं, कानपुर, गोंडा, झारखंड, राजस्थान, सहारनपुर जैसी अनेक रेल दुर्घटनाएं षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। लकड़ी के बोटों जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, विस्फोटक आदि पटरियों पर रखकर रेलों को पटरी से उतारने के बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं के माध्यम से उन सभी भारतीय यात्रियों के मन में भय और आतंक फैलाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तो यह देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत कतई नहीं हो सकता। जातिवादी राजनीति से सिर्फ देश का अहित ही होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह दुख की बात है कि कुछ राजनीतिक दल के चुने हुए नेता जातिवाद की दूषित राजनीति में इतने डूब जाते हैं कि किसी प्रकार की तुलना से कतराते नहीं। बीते समय में सुल्तानपुर में हुए एक अपराधी के एनकाउंटर को जातिवादी राजनीति की मानसिकता से ग्रसित होने की वजह से फर्जी बताना शुरू कर दिया, वह भी बिना पुलिस रिपोर्ट और घटनाक्रम को समझे और जाने। उन्होंने पुलिस की मेहनत को नाटकीय बना दिया, जबकि मारा गया व्यक्ति कानूनन स्पष्ट रूप से अपराधी था। ऐसे जातिवादी राजनीतिक हथकंडों से पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ने की बजाय घटता है। पीड़ित की रक्षा करने के बजाय राजनीतिक दल आपराधिक घटना में राजनीतिक फायदा खोजना शुरू कर देते हैं, जिससे देश और समाज में जातिगत अपराधी संरक्षण को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिल रहा है। अपराध करने वाला अपराधी किसी न किसी जाति, धर्म, समुदाय का होता ही है, और इसी कारण जातिगत घटना पर रोटी सेकने वाले राजनीतिक दल अपनी जहरीली और अराजक राजनीति करना शुरू कर देते हैं। संविधान की शपथ लेकर जाति और धर्म की राजनीति करने वाले दलों के नेताओं को विचार करना चाहिए। पैरा, धर्म क्या है?
यह गूढ़ सवाल है। हर व्यक्ति स्वविवेक के आधार पर धर्म की व्याख्या करता आया है। भूखे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म रोटी है। अपने पेट की क्षुधा को शांत करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। संकट में फंसे हुए व्यक्ति को संकट मुक्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मनीषियों ने धर्म की ओर और भी परिभाषाएं दी हैं। धर्मज्ञ व्याख्याकारों ने बताया कि धैर्य, क्षमा, अस्तेय, पवित्रता, आत्मसंयम, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध आदि को हर तरह से अंगीकार करना धर्म है। उन्होंने इसमें जोड़ा, स्वयं को रुचिकर ना हो वह व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। व्यास जी ने धर्म की लंबी व्याख्या की। राजा, प्रजा, साधु, सन्यासी के धर्मों को विभाजित किया और धर्म का उल्लंघन करने की मनाही की। वात्स्यायन ने बताया कि मानव के लिए धर्म मनसा, वाचा, कर्मणा होता है। यह केवल क्रिया या कर्मों से संबंधित नहीं है, बल्कि धर्म चिंतन और वाणी से भी संबंधित है। सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि की माने तो उन्होंने बताया कि जिस काम के करने से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म नहीं है, वह धर्म है। वहीं कबीरदास का कहना है कि कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। तुलसीदास भी कबीर की बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि दूसरों का भला करना ही धर्म है। इन सब विचारों को व्यवहार की कसौटी पर कसा गया तो निष्कर्ष निकलता है कि जब तक पराये की पीर के लिए संवेदना ना जागे, जब तक दूसरों के हित के लिए अंदर से भावों के धक्के ना लगें, तब तक सारा कर्म कांड, समस्त धर्म ज्ञान व्यर्थ है। धर्म परायण वही है जो रोते हुए इंसान को हंसा दे, दूसरों के लिए सोचे। धार्मिक वही है जो दुखी जनों के दुख बांट सके। यही सच्ची पूजा है और यही असली धर्म भी। बाकी सारा पाखंड है। पैरा। इस साल वर्षा ऋतु के दौरान देश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि हो रही है। इस बार देश के पूर्वी तट वाले राज्य ही नहीं, बल्कि पश्चिमी तट के राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भी जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। असंख्य बांधों के फाटक लबालब भरे जलाशयों से पानी निकालने के लिए खोल दिए गए हैं। अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से वृद्धि कर रही है। इस समय वृद्धि की रफ्तार जो है उसके आधार पर भारत 2030 तक 7
ट्रिलियन डॉलर की आर्थिकी बनकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विराम।